हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत में। फ्रेंड्स, नए प्लांट की केयर के साथ आई हूँ। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत को बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे सारे प्लांट्स के वीडियोस जो भी मैं बनाऊँ उसके सारे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा, फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये चाइना विंडमिल पाम है। इसके पत्ते काफ़ी बड़े बड़े हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। इसके पत्ते बहुत ही सुंदर होते हैं, बड़े बड़े हैं। तो इसकी कंप्लीट केयर शुरू करती हूँ फ्रेंड्स। तो ये जो प्लांट है, ये समर्स का प्लांट है फ्रेंड्स। समर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है ये। इसे सनलाइट की रिक्वायरमेंट इसकी फ्रेंड्स 1 से 1.5 घंटे आप धूप में रख सकते हैं। इसे डायरेक्ट सनलाइट सुबह की दिखा दें, और वैसे ये इनडायरेक्ट सनलाइट में आप इसे रखें, नहीं तो इसके पत्ते धूप की वजह से जल सकते हैं फ्रेंड्स, ब्राउन हो सकते हैं। तो आप 1 से 1.5 घंटे की धूप आप इसे सुबह की दिखा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। ये ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता, ना ही इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, आप वाटरिंग पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है फ्रेंड्स, कि इसकी मिट्टी ज़्यादा सौगी ना करें, गीली ना करें, और ड्राई आउट भी, सूखने भी ना दें मिट्टी को। तो आप देख ही रहे होंगे कहीं कहीं पे मेरे प्लांट्स के जो पत्ते हैं फ्रेंड्स, इसके टिप्स मैंने पत्तों के बहुत जगह पे काटे हुए हैं। तो वो इसलिए काटे हुए हैं मैंने, क्योंकि इसके जो टिप्स हैं पत्तों के किनारे, जो किनारियां हैं पत्तों की, वो बहुत ज़्यादा ही ब्राउन हो गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इस प्लांट पे ध्यान नहीं दे पा रही थी कुछ टाइम से। तो इसकी पत्तियां ब्राउन हो गई थी, टिप्स ब्राउन हो गए थे ड्राई आउट होने की वजह से इसकी मिट्टी। मैंने पानी बहुत कम दिया, ना के बराबर दिया फ्रेंड्स, तो ये रिज़ल्ट मिल रहा है मुझे, आप लोग देख ही सकते हैं। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, वाटरिंग का ख़ास तौर से ख्याल रखें फ्रेंड्स। तो ज़्यादा मिट्टी गीली ना करें इसकी, और मिट्टी को सूखने भी ना दें, तब ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है फ्रेंड्स। ये समर्स का ही प्लांट है, समर्स में अच्छी ग्रोथ करता है, स्लो ग्रोअर है, धीरे धीरे ग्रोथ करता है, लेकिन अच्छी ग्रोथ करेगा। तो आप परेशान ना हो कि ये बहुत स्लो ग्रोथ क्यों कर रहा है, तो आप उसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल दें, कभी भी नहीं फ्रेंड्स। ये सोचना हमारी गलती होती है कि हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो प्लांट्स जो है जल्दी अच्छी ग्रोथ करेगा और ज़्यादा हमें फ्लावरिंग देगा, ये अच्छा ज़्यादा अच्छे पत्ते निकालना शुरू कर देगा। तो ऐसी बात नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइज़र की या किसी भी प्लांट की फ्रेंड्स, आप उसे उतना ही फर्टिलाइज़र दिया करें प्लांट को। ज़्यादा किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता है, तो ख़ास तौर से प्लांट के लिए फ्रेंड्स, कि अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो इसकी पत्तियाँ बर्न हो जाएंगी, जल जाएंगी। तो ये इसका ख़ास ध्यान रखें आप। अगर कम डला है तो ये मैनेज कर लेता है प्लांट, लेकिन ज़्यादा नहीं डालें आप। पॉटिंग मिक्स के लिए फ्रेंड्स, आप सिर्फ मिट्टी में लगा सकते हैं। इजी टू ग्रो प्लांट है, हार्डी प्लांट है, तो बहुत आसानी से ग्रोथ करता है अपनी। और विंटर्स में ये अपनी ग्रोथ रोक देता है, क्योंकि विंटर्स जो होते हैं सर्दियाँ, इसका डोर्मेंट पीरियड होता है फ्रेंड्स। तो डोर्मेंट पीरियड में अपनी ग्रोथ बहुत ही कम कर देता है, ना के बराबर कर देता है। तो आप घबराएं नहीं, समर्स में वापस से ये अपनी ग्रोथ शुरू करेगा फ्रेंड्स, और अच्छी ग्रोथ करेगा। तो अब पेस्टिसाइड बता दूँ कि पेस्टिसाइड्स तो कीड़े तो मैंने इस प्लांट में नहीं देखे हैं फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट में कीड़े लगे हैं तो आप उससे कैसे छुटकारा पाएं फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप नीम ऑयल 1 लीटर पानी में 1/2 चम्मच और 4-5 बूंद डेटॉल हैंड वॉश या डिश वॉश जो भी आपके पास है वो दोनों चीज़ों में ला के इस पर स्प्रे कर दिया करें महीने में एक बार इसके पत्तों पर। और फ्रेंड्स, जब इस पर आप स्प्रे करें कोई भी पेस्टिसाइड, तो आप इसके ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, या फिर कोई भी प्लांट है, उसे हमेशा तिरछा करके करें, क्योंकि अगर कोई भी पेस्टिसाइड आप स्प्रे कर रहे हैं और इसकी जड़ों में चला गया तो प्लांट जो है फ्रेंड्स वो शॉक में चला जाता है, ज़्यादा चांसेस होते हैं तो इस कंडीशन में।
तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा आप उसी आपने जो सोप सॉल्यूशन या नीम ऑयल सॉल्यूशन मिक्स करके बनाया हुआ है लिक्विड में, उसमें आप कपड़े को डुबाकर गीला करके उससे भी सिर्फ आप इसके पत्तों को चारों तरफ आगे पीछे फ्रेंड्स हर जगह इसे पत्तों को पोंछ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है पत्तों को पेस्टिसाइड से बचाने का, प्लांट्स को पेस्टिसाइड से बचाने का फ्रेंड्स। तो आपका प्लांट बहुत ही हरा भरा बना रहेगा, कीड़ों से बचा रहेगा। इसके अलावा फर्टिलाइज़र के लिए मैं बताऊं फ्रेंड्स, तो इस प्लांट को बहुत कम ही फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, बहुत फर्टिलाइज़र नहीं मांगता है ये। तो मैं तो इसमें 3 से 4 महीने में फ्रेंड्स सिर्फ एक बार अच्छी क्वांटिटी में, लेकिन अच्छी क्वांटिटी में इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल देती हूँ या फिर गोबर की खाद जो भी मेरे पास अवेलेबल होती है उस टाइम पे मैं इसमें डाल देती हूँ। तो इसके अलावा इसकी और कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती खाद की फ्रेंड्स, ये अच्छी ग्रोथ करता रहता है। और इनडायरेक्ट सनलाइट में इसे रखें, सुबह की हल्की 1-2 घंटे की धूप दिखा दिया करें फ्रेंड्स, तो इस प्लांट के लिए अच्छी होती है। और एकदम कड़ी धूप में ना रखें, नहीं तो पत्ते ज़्यादा जो है वो जलने लग जाएंगे और प्लांट की ब्यूटी जो देख रहे हैं पत्तों से ही है वो ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा ना करें, वाटरिंग का खास ध्यान रखें, बैलेंस्ड वे में ही करें, ज़्यादा मिट्टी गीली ना करें फ्रेंड्स। तो मैं आपको अपना पूरा प्लांट दिखाना चाहती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मेरा प्लांट जो है फ्रेंड्स, ये 2-3 साल पुराना है, तो बहुत ही बड़ा प्लांट हो गया है ये। मैंने इसके पत्ते काफ़ी फैलते हैं फ्रेंड्स, चारों तरफ बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए मैंने इसे बांध रखा है कपड़े से, तो ताकि ये फैले ना इधर उधर, क्योंकि इस प्लांट को स्पेस भी बहुत चाहिए होता है। तो इतनी स्पेस मिल नहीं पा रही, इस प्लांट को मिल नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैंने इसे बांध दिया है, तब ये ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये मेरा वीडियो फ्रेंड्स। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी प्रोपगेशन मैं तो बताना ही भूल गई कि इसकी प्रोपगेशन सीड से होती है। आप सीड से ही दूसरा प्लांट ग्रो कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत प्लांट है, आप लोग भी इसे लगाएं अपने घरों में, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स।